इसराइल और अमेरिका की जंगी तैयारी से मिले महायुद्ध के संकेत। रूस ने ईरान के लिए किसे दी धमकी और कोरियाई प्रायद्वीप में न्यूक्लियर जंग की आहट क्यों? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल की बड़े जंग की तैयारी। पिछले 72 घंटों में 20 अमेरिकी C-17 विमान इसराइली बेस पर उतर चुके हैं। करीब 1000 अमेरिकी सैनिक इसराइल में मौजूद। इसके अलावा उसके दर्जनों वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की निगरानी कर रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की आशंका है, जिसको लेकर रूस ने इसराइल को वार्निंग दी। रूस के उप विदेश मंत्री रयाव कोव ने कहा है कि अगर अमेरिका के बहकावे में इसराइल ने हमला किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। फर्स्ट पोर्ट और इजरायली मीडिया ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़े हमले की आशंका जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने अटैक साइट का चुनाव कर तैयारी शुरू कर दी। इजरायल के हमले की आशंका में ईरान भी हाई अलर्ट है। कोरिया प्रायद्वीप में कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है। दक्षिण कोरियाई सेना हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ड्रोन घुसपैठ की घटना के बाद किम की आर्मी ने येनो प्योंग द्वीप पर जंगी अभ्यास शुरू किया। किम ने इसे उत्तर कोरिया के उकसावे का नतीजा बताया है। साउथ कोरिया के आक्रामक एक्शन से बौखलाई नॉर्थ कोरियाई सेना अब बॉर्डर के पास रेल और सड़क मार्गों को टारगेट कर रही है। जंग के हालात में दुश्मन की एंट्री रोकने की तैयारी है, ये दावा दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने किया है। वफर जोन में शेलिंग के बाद से ही दक्षिण और उत्तर कोरिया में जंग की आशंका बढ़ गई है। आर्मी चीफ और सीनियर सैन्य अधिकारियों के साथ दक्षिण कोरिया के तानाशाह किम ने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक किम कुछ बड़ा करने की फिराक में है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच संघर्ष न्यूक्लियर जंग की दहलीज पर पहुंच रहा है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री अपने परमाणु हथियारों का भंडार दोगुना कर रही है। उनके पास वेपन ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल का भंडार है। यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री कभी भी हो सकती है, ये दावा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के हवाले से यह दावा है कि रूस की अपील पर किम अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज रहे हैं। जल्द उनकी तैनाती वॉर जोन में होगी। रूस के चेतावनी को लेकर नाटो देश अलर्ट हो गए हैं। न्यूक्लियर ड्रिल से पहले ब्लैक सी से लेनिनग्राद तक एयर सर्विलांस बढ़ा दी गई है। इसकी पुष्टि ब्रिटिश टोली विमान के एक्शन से हुआ। ब्रिटेन का RC-135 रूसी बॉर्डर के नजदीक दिखा।